सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वय अकाल मूर्ख अजुनी सैभं गुरुप्रसाद जप अग्नि हो जत सच जुगाद सच नानक होसी पी सत संगत बिठाओ एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभ गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूर्ति अजूनी सैभ गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभ गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभ गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभ गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभ गुरु प्रसाद जप आज सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच होठ फरीदा गवन कारम दुनिया देखन जा मत कोई बख्शिया तुद मिले तू ही बख्शिया जा उठ इस संसार परमेश्वर दा परमात्मा दा इंदे विच रब दे प्यारे साधु महापुरख ने जिन्हां नूं आप परमात्मा धरती ते भेजदा है साध पठाए आप हर साध पठाए आप प्रभ तिन ते नाही दूर दूर नहीं जांदा उन्हां तों उन्हां दे नाल ही रहिंदा है साधु आप भेजे ने परमात्मा ने धन 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 जन आया जिस प्रसाद सब जगत राया जन आवन का हे सुवाओ जन कह संग चितावे नहु आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार जिनको भेजता है आप खुदा जहां में जिन्हानु आप रब भेजता है वो तारन वास्ते आए संसारी जीवानु पढ़े वास्ते पढ़े रथ लाउण आए गमन कारण
जिथे कोई रब दा प्यारा मिले उन्दे दर्शन कर, जे कोई बख्शिया होया मिल गया ते तू भी बख्शिया जाएगा। जे रब दा बख्शिया कोई मिल गया तू बख्शिया जावेगा। बख्शिया होया दी संगत कर, पूर्ण पुरखां दी। एक नाम गुरबाणी च पारस पारस करके आउंदा है, एक नाम चंदन चंदन करके आउंदा है। उन्हां बारे गुरबाणी च लिखिया है कि चंदन दी वासना दे नाल उस दे आस पास दे जिहड़े ब्रिश ने, चाहे वह कौड़े आ चाहे वह माड़े आ, चाहे उन्होंने फल लगता है नहीं लगता, किसी काम आते नहीं आते, पर चंदन के आस पास वाले चंदन ही हो जाते। आखो सी चंदन कोल वसदे जेड़े सुगंधी दे नाल। दूसरा आउंदा कि पारस, पारस किसे कोल है नहीं, किसे समय किसे कोल होया उहदी कहानी बनी, पर पारस किसे वेखिया नहीं, पारस दा चमत्कार वेखिया। जिहड़े भेडां बकरियां चारन वाले पहाड़ां दे विच, ओह उहनां दे पैरां दे थल्ले लोहे दीआं खुरियां लाउंदे। जिथे किते पारस होए पता नहीं लगदा, पर ओह जिहड़ी लोहे दी लगी होई थल्ले पत्ती खुरी, ओह सोना बन जांदी है। आखो सी कहिंदे हर पर्वत दे विच पारस नहीं, हर पिंड पिंड दे विच संत नहीं, किते किते आ, हर जंगल दे विच चंदन नहीं, ये विरले ही होंदे ने। आखो सी हर जंगल दे विच बन बन विच चंदन नहीं, हर पर्वत विच पारस नहीं, ते हर थां ते पूर्ण महापुरख नहीं। आखो सी बड़े सारी होंदे आ, बड़े ओह भी ने जिहड़े गुरु घर विच रहे, गुरु घर दी सार नहीं जाने, संगत विच रहे संगत दी सार नहीं जानी, ओह भी भले ने। जेड़े बेमुख हो गए संगत विच, ओह भी भले आ। विच रह के साध संगत विच रहे, गलतियां ही करते रहे, अवग्या ही करते रहे, गुरुद्वारा धर्मक स्थाना दे वो बड़े गलतियां कर रहे ने, गुनाह कर रहे ने, पर परमात्मा रब उन्हें फिर भी नाल नहीं आता है कि तुहाडा इस जन्म हो सकता कि इस जन्म च किसी पड़ा ते आके तुसी भी तर जाओ, जे नहीं सारी उम्र निंदिया ही करता रहा गुरुद्वारे च रह के, गलतियां ही करता रहा। गुरु साहब नूं एक जन्म चांस होर देणगे। आखो सी कि तू इस जन्म विच आके अपनी हार मन ला ते आख दे हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता, सतगुरु मैं तेरे दर ते रह के
ਗਲਤੀਆਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੀ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਹੀ ਪੱਲੇ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੌੜਾ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਮ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਆਲਸ ਦਲਿੱਦਰ ਧਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆ, ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਪੁੱਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਪੁੱਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏ, ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਾਰੇ ਨੇ, ਨਿੰਦਕ ਦੋਖੀ ਬੇਮੁਖ ਤਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਸੰਗ ਨਿੰਦਕ ਵੀ ਤਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਕਾ ਵੀ ਹੋਏ ਮੋਖ, ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਲੈ ਉਵਾਰ। ਦੇਖਿਆ ਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹੀ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਹੀ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਵੀ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਵੀ ਨੇ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਵੀ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਸਮਝਣੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਵੀ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵੀ ਨੇ, ਦੁਖੀ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਾਰਦੀ ਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਬਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੋਗੀ ਦੁਖੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਰਤਦੇ,
ਜਪੋ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਬ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਬੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਦਰਗਾਹੀ ਹੁਕਮ ਆਏ, ਸੱਚਖੰਡ ਚੋਂ ਹੁਕਮ ਆ ਗਏ, ਦਰਗਾਹੀ ਹੁਕਮ ਆ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਜਪ ਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸਤ ਨਾਮ ਸਤ ਨਾਮ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਸਤ ਨਾਮ ਸਤ ਨਾਮ ਸਤ ਨਾਮ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਸਤ ਨਾਮ ਸਤ ਨਾਮ ਸਤ ਨਾਮ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਸਤ ਨਾਮ ਸਤ ਨਾਮ ਸਤ ਨਾਮ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਸਤ ਨਾਮ ਸਤ ਨਾਮ ਸਤ ਨਾਮ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਸਤ ਨਾਮ ਸਤ ਨਾਮ ਸਤ ਨਾਮ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਸਤ ਨਾਮ ਸਤ ਨਾਮ ਸਤ ਨਾਮ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਨਾਮ ਸਤ ਨਾਮ ਸਤ ਨਾਮ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਸਤ ਨਾਮ ਸਤ ਨਾਮ ਸਤ ਨਾਮ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਸਤ ਨਾਮ ਸਤ ਨਾਮ ਸਤ ਨਾਮ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਆਰਾਮ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਘੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਨ ਸੇਵਕ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ 36 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦਾਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਸੀ 33 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ 36 ਸਾਲ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇ ਇਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਦਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ 36 ਸਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਅੱਜ 36 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਮੱਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੇ ਨਾਇਕਾ ਇੱਕ ਛਿਣ ਦਰਸ ਦਿਖਾਏ
ਮਲਣ ਭਈ ਮਤ ਮਾਧਵਾ ਤੇਰੀ ਗਤ ਲਖੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਭਰਮ ਚੁੱਕੀ ਮੈਂ ਸਮਤ ਦਿਓ ਸਮਝਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਰਮੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਹੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਭਰਮ ਕੇ ਪੜਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਟੇ, ਮੇਰੇ ਭਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪੜਦੇ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਲਵਾਂ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੰਨਣਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੰਨਣਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝ, ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਮਤ ਦਿੰਦੇ, ਬੁੱਧ ਬਲ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਦਰ ਧਾਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਆ। ਨਦਰ ਕੀਤੀ ਕਰਤਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਦਰ ਧਾਰਦੇ ਨੇ ਤਾਰ ਤਾਰਨ ਹਾਰਿਆ, ਦੇਹ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਬਨਾਸੀ ਹਾਂ ਤੁਝ ਕੋ ਬਲਹਾਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਤਾਰ ਤਾਰਨ ਹਾਰਿਆ। ਹਾਰਿਆ
गुरु तार तारन हारिया 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 तार तारन हारिया गुर तार तारन हारिया तार तारन हारिया गुर तार तारन हारिया तार तारन हारिया गुर तार तारन हारिया कबू तो सुने कबू तो सुने पकार केंदे ने तू कही जा ओ की देता सुनेगा किसी ने सुनिया कि एक दिन विच एक वरी एक लफज पूरा हो जाता एक दिन दे विच बंदे दा अपना बोलिया होया एक लफज पूरा हो जाता है एक दिन चेक माड़ा बोले चंगा बोले किहो जे कर्म हो जे बोलेगा आपदा क्या ही पूरा हो जाएगा उन्हें सिर ते सुहागा सुहागा सी उन्हें सुहागा सिर ते रख लिया जिमीदार दे सुहागा फेरन वाला हुंदा मिट्टी रोड मारनी मिट्टी बराबर करनी उन्हें सिर ते चाके आख्या सोने दा हो जा सोने दा हो जा सोने दा हो जा केंदे लोहे दा सुहागा सी वो केंदा रिहा सोने दा हो जा सोने दा हो जा सोने दा हो जा सोने दा हो जा बड़ी देर खड़ा रिहा वो वेखदा लोहे दा ही है जमीन ते चाके मार के कहिंदा लकड़ दा ही बन जा जदों जमीन ते सिटिया ते लकड़ी दा बन गया जदों समा आया उदों ना कह सकिया सोने दा हो जा भाव के गुरु सुनदा है तू कही जा तार तार नहारिया तार तार नहारिया मेरे ते भी मेर कर सतगुरु आ खैर पा उन्दे वास्ते महापुरश कहिंदे भी सिमरन कर तेरा काम है ना इहदा वाहिगुरू दा सिमरन कर माता जी दे उत्थे कोल ही साडा नानका परिवार रहिंदा सी नाने तो छोटा सी पर मेरा मुड़ तो प्रेम सी उन्हां नाल वो भी गुरु घर दे श्रद्धालु सी उत्थी रहिंदे सी नेड़े महापुरखां दी संगत विरलियां नूं मिलदी सारियां नूं नहीं जिन्हां ते किरपा हुंदी बाबा जी को आए बाबा जी माया दी कमी कृपा करो बाबा जी कहिंदे शब्द पढ़ो आहा जिहड़ा पंक्ति ते चर मूल ना थोड़ी दो जे चर आप कृपाल शब्द खुट बाबा नानका खाए खर्च तन माल इंदिया माड़ा करो माया आएगी बचन महापुरख देने प्रथाए साखी महापुरख बोल दे सांझी सगल जहानी असी सारे सेवादारा बेंगमाने बैठे होना बाबा जी ने कई बारी मैनू मुखातब करके बड़ा करड़ा बचन कह देना
मैं सोचना भी ये मेरी कमी नहीं, ये तो गल ही नहीं, पर जब सोचना विचारना कि ये मेरे नाल दे बैठे नूं बाबा ही नहीं किया, क्या मैनू ये पर सट उत्थे मारी, उन्हें भी कन्न चक ले, उस समय उन्हें कन्न चक ले, कह मैनू रहने बाबा जी, पर तीर उधर मार रहे। जो शिकारी ने तीर मारना होंगे ना, लुक के ही मारता है, सीधे तो भज जाते शिकार। शिकारी जो मार करता ना, फिर लुक के जां भुलेखा पा के। एक बारी बाबा जी ने किसी नूं गल कही, मेरे अंदर सट वजी, सीधी मैनू आण के लगी, उधर नहीं सी, पर थाए साखी महापुरख बोल दे, सांझी सगल जहान है। आम दुनियावी कहावत है कि नूं नूं सारियां गल्लां नहीं कहियां जा सकदियां, उह तां उहदे मूंह मोड़ के बह जाएगी। कहिंदे आखां धी नूं, आखा धी नूं ते समझावां नूं। मां कहिंदी धी नूं ए, तू आ काम कर, तू आ नहीं करदी, ते सट नूं दे वजदी। सारा शरीर है, सारे शरीर ते बाहां ते हत्थां ते दवाई ला लो, पर जिथे जख्म होएगा लगना तो उथे ही दवाई ने, उथे लगेगी। महापुरश सारे विच ही बचन बोलते हैं, ये नहीं कि मैनू नहीं आखिया, इनू आखिया है। कहिंदे तू समझ सोच, तेनू भी हो सकदा आखिया, पर थाए साखी महापुरश बोल दे, सांझी सगल जहान ने। जिथे लोड़ है उथे वह चीज चलेगी। पढ़ो, गुरु तार तारन हारे, गुरु तार तारन हारिया, गुरु तार तारन हारिया, तार तारन हारिया, गुर तार तारन हारिया, गुर तार तारन हारिया, गुर तार तारन हारिया, गुर तार तारन तारन हारिया, गुर तार तारन हारिया, तार तारन हारिया, गुर तार तारन हारिया, गुर तार तारन हारिया, तार तारन हारिया, गुर तार तारन हारिया, गुर तार तारन हारिया, गुर तार तारन हारिया, तार तारन हारिया, तार तारन हारिया, गुर तार तारन
गुरुदार तारन हारिया गुरुदार तारन हारिया तारन हारिया गुरुदार तारन हारिया नडुआ पीख दिखावे बहु विद जैसा है ओह तैसा रे नाटक करने वाला कोई भी बन सकता है फिल्मा देख देना एक्टर वो कोई भी रोल कर सकते पर जेड़ा हैगा वो ही हो बन जो मर्जी जावे केंद्र नटुआ पेख दिखावे बहुबिद वो बड़े रूप धारदा है पर है तो उ ना तो आते हो जो फिल्मा फुलमा बनाए हैं ना उन्होंने ना आते हो बन पावे कोई भी जान रामचंद्र जी बन जान कृष्ण जी बन जान भीम बन जान दुर्योधन बन जान कोई भी बन जान चंगा रूप धार लैन माड़ा पर है ओहो ही ओ अनिक जोन परम्यो परम पीतर सुखे नाही पर विसारे बड़े बड़े समय तक उवें चलदे जिन्हें राम दा रोल कीता राम नहीं बनिया सीता दा रोल कीता सीता नहीं बनी उन्होंने उनका रूप ही दिखाया पर बहुत समय भी लंघते वो असली रूप नहीं तारते असली नहीं बनते साजन संत हमारे मिटा बिन हर हर आनी तारे साध संग मिल हर गुण गाए हो जन्म पदार्थ जी तारे ओ आन के मित्र साध संग च आ जाते है कोई ही नहीं भरा भरा ही ने एक किधर चला गया किधर चला गया संबंधी ने रिश्तेदार भैन भाई ने जेड़ा आ गया साध संग च ओनू साध संगत ने बदलाता आखो सी उन्होंने आपका जन्म पदार्थ जित लिया उन्होंने पूरा जन्म गवा लिया और रूप धारते रहे पर राम नहीं बने राम वाले गुण नहीं आए इधर साध संगत दे विच रूप नहीं तारिया साध संगत विच गुण गाए ने साध संगत विच सेवा कीती इधर गुरु साहब ने कृपा कर दी त्रै गुण माया ब्रह्म की कीनी कहो कवन विद तरिए रे कुमन केर अगाह गाखरी गुर शब्दी पारी उतरी रे तू कुमन केरिया च फसिया है त्रैगुण दी माया है दसो केड़ी विधि वरती है तीन गुण दी माया सानू समझनी असी एक माया नू माया कह देंगे पर तीन गुण दी माया सानू उस माया दे भेद ही नहीं पता ही नहीं कि प्रभु जी किवें वरतौंदे किवें तरीए रब की माया बड़ी बेअंत है ये बंदे नूं भलाई रख दी घूमण घेरियां विच फसे होए हैं पर कहिंदे इहदे विच तरांगे तुहानूं गुरु एक बोल बोलेगा तुसीं फसे जे घूमण घेरियां च उत्थे गुरु तुहानूं एक बोल बोलेगा ओही विधि होएगी तुहाडी निकलण दी घूमण घेरियां च ओही बेड़ा होएगा ओही जहाज होएगा गुरु ने एक तेनू डुबदे होए नू घूमण घेरियां च फसे होए नू कई बंदे डुबदे आ उन्हां नू बाहर कढ़न वाले पग सिड़ दिंदे रस्सा सिड़ दिंदे फड़ लां
तार सिर दिया फड़दा तेनू बाहर कढ़ दिया। घूमण घेरिया विच फसे हुए मरदे हुए जीव नू साधु एक रस्सी की तरह सिट दे, आ बोल संभाल ला, तू फसिया बहुत देर का घूमण घेरिया विच, हुण तेनू तारन वास्ते महापुरशां ने एक बोल मारिया है, एक आवाज दिती है, वो ये तेनू बाहर निकलने वाली पग या रस्सी या कोई होर चीज सहारा है, ओनू फड़ के बाहर आ जा, निकल जाएगा घूमण घेरिया तो निकल जाएगा। खोजत खोजत खोज बिचारियो तत नानक हो जाना रे। बाबा जी कहते गुरु नानक साहब कहते ये गल मैं एवं नहीं कहती, इनू बड़ी तरह खोज खोज के खोज खोज के फिर असी तत् विचारे कि डुबदे का इलाज की, घूमण घेरिया बिपता च फसे हुए का उपा की, उपा इको ही है कि जेड़ा बोल जेड़ा इशारा गुरु ने बख्शिया है उन्हों समझ जा, तो इन्हों बीमारियों तो इन्हों दुखा तो इतों निकल जाएगा गुरु का इशारा समझ के, क्योंकि वह तार देने महापुरश तार नहार ने। सिमरत नाम निदान निर्मोलक मन मानक पतिया नारे। बड़ा वड्डा खजाना मिलिया कहिंदे निर्मोलक निदान, ये मन मेरा हुण मन गया इस ध्यान के, मन्निया नहीं सी अज तक, अज तक नहीं मन्निया सी इस गल नूं, अज गुरु ने बोल मारिया मैनू घूमण घेरियां चों फसे होए नूं कढ़िया ते मैनू खजाना बख्शिया, मेरा मन जेड़ा सी ना उन्हें अज हीरे मोती चुग रहे, निर्मोलक खजाना प्राप्त होया है महापुरशां दी संगत विच, मिछड़ विछड़ के तेथों मिछड़े असी विछड़ विछड़ दुख पाया, किरत कर्म के विछड़े कन्ना विच गूंजा पईआं बचन तुहाडा ही याद आया, नरकां विचों कढ़ला बाबा मैं सी रोला पाया, बाहों फड़ के तारिया तुसी अपना बिरध नभाया, गुरु दा बचन बसे जी नाल खत्म नहीं हुंदा। बड़े साधु संत महापुरख बाबा जी कोल आउंदे सी, मेरी अवस्था रोगी मेरा काम नहीं चलदा मैनू मिलिया नहीं कोई अपने गुरु तो, मेरा गुरु मर गया चला गया संसार तो, तुसी कृपा करो। बाबा जी फिर हर एक नू राय पाउंदे आ, तेरे गुरु ने कोई तेनू मंत्र दिता है जी दिता है, कहिंदे फिर जाप उहनू इत्थे रह के उत्थे बह जा पेड़ थले बह के जप, अपनी निगरानी च जपाया दस दिन भी दिन तीह दिन चाली दिन उहदे रस्ते ही खुल गए, मार्ग ही चल पे, घर विच लहरा बहरा हो गया। एक ने कहा जी मैं मेरा तो गुरु मर गया है, कहिंदे तू उसे दा ध्यान तार नहीं मरदे। साधु संत महापुरश नहीं मरदे, सदा ही जींदे, ओ नहीं मरदे, तू उन्हां दा ध्यान धर ओ तेनू दर्शन देणगे। आखो श्री भाई कृपा करनगे। बड़ी देर दे गुरदास जी विछड़े हुए सी गुरु साहब तो, मान सत्कार की तो कोई कमी नहीं सी, प्रचार करन दी भी कोई कमी नहीं सी, सिख संगत भी बड़ी बन गई सी। एक दिन गुरु छेवें पातशाह आए सुपने च,
ते घोड़े ते चढ़े सी, बड़ा सुंदर स्वरूप सी। ते गुरदास नूं चेता करा गए आखो सी, ठीक है तू संगत बड़ी बना ली, सिखी बहुत बना ली, बड़े तेनू मनदे आ, बड़ा तेरा सत्कार होंदा है, पर इन्हां दर्शनां तो तू विछड़िया होया आखो सी। वाहिगुरु जी, अज वो मोलक गुरु दे दर्शन चेते आए, मन तड़फण लगा पई, गत मीन जल बिरहे जगाए, अज वो बिरहो सुता होया जाग पिया। भाई जी ने फिर सारा कवित लिखिया जी, जदों गुरु छेवें पातशाह, सत्कार की कमी नहीं, क्योंकि गुरु सिर ते आ, गुरु की माया है, लिया है भाई गुरदास, पर फिर भी गुरु साहब सेवा ले रहे ने, राजा भी सेवक बन गया, संगतां भी बड़िया जुड़ गईं, पड़ता ब्राह्मणा दे बड़े पड़दे चकदे ने, गुरु नूं धिआउंदे, जिहड़ा अपने गुरु नूं धिआउंदा है ना, उहदा कम सफल होंदा है, सही होंदा। कोई मुश्किल कोई रुकावट बन जाए, कोई रस्ता ना खुलता होवे, आपदे मुर्शद दी मूर्त हिरदे च लिया के बेनती करो जी मैनू समत बख्शो, ते गुरु साहब वो राह दे देंदे आखो। जिहड़े मुर्शद वाले होण, जिन्हां दा मुर्शद नहीं, उन्हां बारे असी की कहांगे, असी तां उन्हां वास्ते कहने जिहड़े मुर्शद वाले, जिन्हां ने गुरु पीर महापुरश का आनंद लिया है चरणा का, साध संगत विच जुड़े हुए ने, जदों गुरु नूं धिआउंदे आ उन्हां दा फिर कम पूरा हो जाता है। आखो सी अपना गुरु धिआए, मेरे को सरसेती कर आए, अपने गुरु नूं आख दिओ, तुहाडा कोई वड्डा बंदा होवे ना शहर दे विच, हुण उहदे कन्नां च कढ दिओ मैं आह कम करन लगा, कोई वड्डा बंदा होवे मनिस्ट्री च, कोई भी करना आपां विंगा टेढ़ा सीधा उहदे कन्नां च कढ देना वी मैं आह कम करन लगा, इहदे च मैनूं पुलिस वाले जे इधर उधर तंग करनगे, ये मैं तेरे कन्ना जो कड़ता है दसता है, तू बस ख्याल रखी। असी हुण लॉकडाउन सी, करफ्यू लगा सी, किते भी पाठ नहीं करन दिंदे सी, पुलिस वाले आण के फड़ लैंदे सी, सारे नूं घेर लैंदे सी। असी फिर बाबा जी दे संगी सी, उहनां दे कन्ना जो कढ़िया होया सी वी असी पाठ करने आ, जप तप करने आ, तुहानूं अड़चन पैगी संभाल लिओ। फिर जिथे कोई अड़चन पैंदी सी फिर असी उन्हां नूं कहिंदे सी, उदों ही संभाल लैंदे सी। कीता लोड़िए कम सुहर पै आखीए, काज दे सवार सतगुर सत साखीए, आपदे गुरु दे महापुरशां दे कन्नां चों कढ दिओ कि मेरे सिर ते हथ रखणा आखो सी। मैनूं इन्हां मुश्किलां इन्हां दुखां तों बचा लै। जेड़े मुर्शिद वाले ने उन्हां दी गल कोई होर ही, जिन्हां ने अजे मुर्शिद गुरु नहीं तारिया, किसे दे नहीं बने, किन्ने वड्डे ऊठ फेरदा सी एवीं। एक कहानी आउंदी छोटियां जिहियां पहलों आउंदी सी, नक्क विचों दे नकेल सी, उन्हें चूहे ने किने उन्हें कहा भी तू किसे दा बन के रह में फिरना, वो कहता मैं मारू साल दा जा जा, मैनू किसे दी बनन दी की लोड़, मैं सब तो वड्डा जानवर आ इत्थे, सब तो उच्चा, मैं किसे दा क्यों बना, मेरिया तो चलदियां ने। कहिंदे उहदे नक्क दी नकेल सी उह फस गई खुंडी च, हुण उहदे हाथ तां ऐ नहीं कढ लेगा,
ਭੁੱਖਾ ਭਾਣਾ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੂਹਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹੁਣ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ ਆਖੋ ਸੀ ਤੂੰ ਫਸ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਿ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕੱਢ ਹੁਣ ਜੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫਸਦੇ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਧਿਆਏ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣਗੇ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੂਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਦੱਸ ਬਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਛਡਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੰਨ ਲਾਂਗਾ ਆਖੋ ਸੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਚੂਹੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਹੈਗਾ ਏ ਉਹ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਕੱਟ ਕੇ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਦੇ ਥਾਵਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਗੁਣ ਊਠ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਰੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੜਫਦਾ ਤਾਂ ਰਹੇਗਾ ਘੁੰਮਦਾ ਤਾਂ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਫਸ ਗਈ ਬਹੁਤ ਕਰੜੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੇੜੇ ਕਰਦਾ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਚੂਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਖਸਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੀ ਚੀਕ ਸੁਣਦਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਖਸਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਜੰਗਲ ਦੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਚਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਤੂੰ ਖਸਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਚਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੂਰਖਾ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਫਸੇਗਾ ਖਸਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਊਠ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੱਜ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੋੜਦਾ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਅੱਜ ਫਿਰ ਚੂਹੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰੱਸੀ ਕੱਟੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਰੱਸੀ ਫੜ ਕੇ ਊਠ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਏ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਆਖੋ ਸੀ ਤੂੰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਏ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਔਖੀ ਘੜੀ ਆਏਗੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਯਾਦ ਆਏਗੀ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤਾਂ ਹੀ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਜ ਲੱਭ ਢੂੰਡ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰ ਆਖੋ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇ ਇਹ ਲੋਕੇ ਸੁੱਖ ਪਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੁੱਖ ਪਾਇਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧਰਮਰਾਜ ਹੱਥ ਲਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਪੇਟ ਧਰਮਰਾਜ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਪਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮਰਾਜ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਭੇਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮਾਣੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੁੱਖ ਪਾਏ ਕਿਉਂ ਧਰਮਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਸਕਿਆ ਅੱਗੇ ਹਰ ਦਰਗੇ ਸੋਭਾਵੰਤ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹਰ ਦਰਗੇ ਸੋਭਾਵੰਤ ਫੁਨ ਗਰਭ ਨਾਹੀ ਬਸੰ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਪਾਏ ਆ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ
तीसरा मेरा दरगाह च माण बड़ा होया, उत्थे सोभा होई, उत्थे असी जस खटिया अगे जाके। ते चौथा है कि हुण सानू कोई बिपता नहीं छेड़ सकदी, कदी इस दुख विच गर्भण विच नहीं फसांगे। ते ये क्यों होया है? जानी संत की मित्राई, बस मैनू मित्र संत मिल गए सी, आखो मैनू मेरी जिंदगी विच मेरे मित्र साधु मिल गए सी, मैं वेख ली संतां दी यारी, आखो श्री वाहे। जानी संत की मित्राई, मैं साधु दी यारी वेख ली के साधु दी यारी कर दी की है, आखो यारी जदों दी फकीरा तेरे नाल है। पढ़ो तेरे नाल लाई मिली यारी जदों दी फकीरा तेरे नाल लाई मिली तो निमाणिया नूं बादशाही यारी जदों दी फकीरा तेरे नाल लाई मिलियो तो निमाणियानो बादशाही हो यार ही जदो दी फकीरा तेरे नाल लाई मिलियो तो निमाणियानो बादशाही यारी जदो दी फकीरा तुसी पहली पंक्ति बोलो सुख गुरु ने दिता है, हर लोड़ पूरी होई है, हर कार्य दी सिद्धि होई है। कदों तो जानी संत की मित्र आए, जदों तो संत मित्र मिल गया, मैं वेखली यारी अपने मित्रां दी, मेरे हर काम च सहाई होए ने, हर लोड़ पूरी होई है। क्योंकि संसार विच परमात्मा नहीं गुप्त है, निर्गुण स्वरूप है,
जे कहिए सरगुण स्वरूप रब किथे आ, वो बैठा है महापुरखां च आखो सी। सरगुण स्वरूप परमात्मा दा साधु ने कहिंदे ने कृपा कर वाहिगुरु, मैं अज तुहाडे ते एक दिखिया, एक मंगदा मंग, मेरी मंग एक बड़ी वड्डी है। हे महापुरशो, मैं तुहाडे तो मंग मंगदा कि महापुरखो मैनू अपना बना लो। आखो मैनू नहीं कोई चाहीदा, किन्ने किन्ने वड्डे ध्यान धरदे लोकी, किन्ने किन्ने वड्डे पाठ करदे, किन्ने किन्ने वेद सिमरत शास्त्र प्राण ने, मैनू नहीं कोई चाहीदा। मेरे वेद प्राण सिमर सदाखर किन्ने, राम नाम एक आखर। महापुरश बोल करे, बोल कड्डे ते सारे ही वेद प्राण सिमरत ने होंदे जी एक बोल विच। गुरबाणी जी बड़ी थाई आउंदा, उन्हां दे एक बोल विच सारियां बाणियां आ जांदियां। महापुरख एक बोल बोलन, उन्दे विच सारियां बाणियां आ जांदियां। मैनू इको ही चाहीदा है कि वड्डे वड्डे मैं ध्यान नहीं, वड्डे वड्डे मैनू कोई रंग नहीं चाहीदे। मैं ऐसी दिखिया जन सिओ मंगा, तुमरो ध्यान तुमारो रंगा, तुहाडा ही ध्यान तुहाडा ही रंग, तुमरी सेवा तुमारे अंगा, तुहाडी सेवा तुहाडे अंगा दी सेवा करा। जे गुरु साहिब ए राय पाउंदे आ ते पैणा किन्ने आ, मार्ग दसदे आ तुरना किन्ने आ। खोज लो हर संत जना संग, संत जना का संग पाइए वड्डे पुन। जिंदे सब तो वड्डे पुन होंदे ने ओनू फिर साधु मिलते, छोटे पुण वाले फिर छोटी छोटी चीजा मिल जाए। जा तू पुजारी बन जा, जा तू मंदिर का मुखी बन जा, तू गुरुद्वारे का भाई बन जा, तू ज्ञानी बन जा, तू जथेदार बन जा। पर महापुरश कोल आउंदा है, वह महापुरख का वह बनता जिंदे सब तो वड्डे पुण। फिर महापुरश जिहड़ी दात देंदे आ लैंदे नहीं, इत्थे तां जथेदार बना भी देणगे हटा भी देणगे, इत्थे उमरां दे नाल रिटायर भी कर देणगे, जा भाई हुण तू रिटायर हो गए। इत्थे तां सानूं इत्थों दे चौधरी मुखी जिहड़े प्रधान ने उहनां दे अनुसार ही चलना पएगा। जे महापुरश साधु की सेवा करांगे ते ओ कोई रुतबा देंगे, ओ देंगे परम पदवी। ये देंगे पदवियां लै भी लै सकते, दे भी सकते आ पदवियां तुहानू बड़ियां बड़ियां, हटा भी सकते। पर साधु की संगत जरूर करो, जिथे मर्जी पहुंचो, जेड़ी मर्जी सेवा करो, जेड़ा मर्जी अहुदा लवो। साधु किसी दे बन जाओ तो तुहानू पता लगेगा, नहीं तो एक दिन नक दी नकेल फसी होएगी ते मुर्शिद भालदे होवोगे सानू कोई कढे, कोई कढेगा नहीं उथों। कि वड्डे वड्डे बन गए असी कोई गुरु पीर महापुरख साधु संगत धारण नहीं कीती। क्यों क्यों ये गलती क्यों? गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे आ अंग अंग ते कहिंदे असी मन्नी नहीं गुरु साहिब दी। जिन्हां दे हिरदे च चुभ जांदी ना वह वड्डे वड्डे जिहड़े अहुदियां ते, जदों गुरु साहिब दी बाणी हिरदे च वज्जी। एक बड़ा वड्डा सी लीडर ते खालसे दी जमात दा सी, वह बाबा जी दे कोल आया, कहन लगा जी मैं अज गुरु साहिब दे चरणा च। बाबा जी कहिंदे किवें आए? प्रधान साहब कहिंदे अज सवेरे जदों सतगुरु प्रकाश किते अरदास कीती, मन थोड़ा जिहा भराम सी, ते गुरु साहब ने फिर हुक्मनामे दे विच उस शब्द दे विच आखिया, जाओ संतां दे कोल, महापुरखां कोल, साधुआं कोल, मेरे साधुआं कोल जाओ।
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ, ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਇਹ ਆ ਸੰਤ ਜਣਾ ਕੇ ਸੰਗ ਪਾਈਏ ਵੱਡੇ ਪੁੰਨ, ਵੱਡੇ ਪੁੰਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਣੀ ਸੰਤ ਕੀ ਮਿੱਤਰਾਈ, ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ ਦਿਓ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦਿਨੋ ਹਰਿ ਨਾਮਾ ਪੂਰਬ ਸੰਜੋਗ ਮਿਲਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੇਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਮੇਰਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿੱਤਰ ਸਾਧੂ ਮਿਲੇ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਇਹ ਪਿਛਲਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਆਖੋ ਸੀ ਪਾਗਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਾਗ ਸਾਡੇ ਲਿਖੀ ਫਕੀਰੀ ਬਾਜਾ ਵਾਲਿਆ। ਠੀਕ, ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦਰ 'ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਖੋ ਸੀ ਬੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਮਾਣ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ। ਬੜੇ ਆਲਮ ਫਾਜ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ। ਬਸ ਕੋਈ ਮਨ ਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰ ਲੈਣਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨਾ, ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਪਿਛਲੀ ਉਮਰ ਗੁਨਾਹੀ ਬੀਤੀ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਨਾ ਅੱਗੇ ਸਮਝ ਚੱਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਿਛਲੀ ਉਮਰ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਰਹੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਬੜੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਤੋਹਫੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਕੀ ਏ, ਰਸ ਕੀ ਏ। ਅੱਜ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪਈ ਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਭੁੱਲੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਆਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਚਾਰ ਲੈਣਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਲਓ। ਆਗੇ ਸਮਝ ਚਲੋ ਨੰਦ ਲਾਲਾ, ਪਾਛੇ ਜੋ ਬੀਤੀ ਸੋ ਬੀਤੀ। ਆਗੇ ਸਮਝ ਚਲੋ ਨਾ ਕੀਤੀ ਪਾਛੇ ਜੋ
समझ चलो नंद पिछले जन्म की दात मिली जे सानू इन्नी वड्डी महापुरखां दी गुरुआं दी संगत मिली है जेड़े भटकदे फिरदे उन्हां दे भाग नहीं उन्हां दे वस नहीं उह बेचारे क्या करे उन्हां नू कहण दी लोड़ नहीं कि निंदिया करदे आ माड़ा बोलदे आ कहिंदे आ वो कहिंदे उह बेचारे क्या करे उन्हां दे भाग ही माड़े आ साढ़े भाग लिखे ने सानू महापुरख की साधु की संगत मिली है ये साढ़े वड्डे भाग ने पूर्व संयोग मिलाई पिछले जन्मां दे आण के संयोग मिले आ महापुरशां दी शरण विच हुण हज सला के सुखमणी दा पाठ